आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। एक दिवसीय दौरे पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मोनिका सिंह तोमर पहुंची। डबरा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। पंजाब विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीतने के बाद आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में सक्रिय हुए। डबरा जेल रोड स्थित आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के निज निवास पर पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता के साथ प्रदेश उपाध्यक्ष ने सीधा संवाद किया। आगामी समय में होने वाले नगरीय निकाय को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से पार्टी की रणनीति बनाने के लिए सीधा संवाद। डबरा के हर गली मोहल्ले में पहुंच आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली और पंजाब की भगवंत मान सरकार के विकास कार्य के बारे में आम जनता तक पार्टी का संदेश पहुंचाया। इस मौके पर सुनील अग्रैया, कुंभीर सिंह, भूपेंद्र सिंह, जीतू सिंह, दिनेश सिंह, नंद किशोर, ओम प्रकाश सेन, नरेश माहिर, गोलू सिंह, कुणाल पंडोलिया, सरनाम राठौर, भोला गिल, राजू नरवरिया, कालू राजोरिया, सोनपाल राठौर सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही आधा दर्जन से अधिक ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। क्योंकि पूरे देश भर में और पूरे प्रदेश में बहुत खुशी का माहौल चल रहा है। आम आदमी पार्टी के सैकड़ों लोग जुड़ना चाहते हैं, तो हम अभी संगठन विस्तार का कार्य कर रहे हैं, जिसमें आज हम सुबह दतिया में हमारी बैठक थी, तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था। इसी के बाद हमने डबरा में भी बैठक रखी और बहुत शॉर्ट नोटिस में बैठक रखी। कल शाम को हमने यहाँ पर सुनील अग्रैया जी, गुरमीत जी, इन सबको बोला और इनको बहुत आसानी से ही बैठक रख दी। और हमारा उद्देश्य ये है कि आने वाले चुनाव में नगर पालिका हो, नगर निगम हो, हर चुनाव में आम आदमी पार्टी बहुत जोर शोर से चुनाव लड़ेगी और इस बार आम आदमी पार्टी निगम में ही अपने आप को अपना पंचम ले जाएगी। तो क्या पार्टी होने जा रही है? नहीं, आप शायद गलत बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी अब तीसरा विकल्प नहीं है, बल्कि भाजपा के साथ डायरेक्ट टक्कर इस बार आम आदमी पार्टी लेने वाली पूरे देश भर में। भाजपा ने भी अब कांग्रेस को देखना बंद कर दिया, जो उनको डर है वो भी केजरीवाल जी के साथ है। उसी तरह से आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में भी सीधे के सीधे आम आदमी पार्टी और भाजपा का पन्ना। देखिए, 15 साल से परेशान थे लोग यहाँ के, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस को मौका दिया था। पर कांग्रेस जिस हिसाब से बिके, खरीद और इसमें चल रही है, उसको देखते हुए लोगों का पूरा विश्वास हट गया है कांग्रेस से। तो क्योंकि भाजपा के समय से वो चाह रहे हैं कि यहाँ पर एक विकल्प हो और कांग्रेस वो विकल्प बन नहीं पा रही, लोगों की लड़ाई लड़ नहीं पा रही है, इसलिए आम आदमी पार्टी को डेफिनेटली जनता इस बार